तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 5:30 और आज हमने बना रखे हैं पतोड़े। तो जो अरबी के पत्ते हैं उसको बेसन में लपेट लपेट के, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है, मुझे बनाना नहीं आता, तो मैडम ने बना रखे हैं। मैडम जो आपको कैमरा में दिख रही भी, और सर आनंद ले रहे हैं, हम भी खाएंगे और इसका टेस्ट करके हम बताएंगे कैसे हो रहे हैं। और लब्बी को आवाज़ लगाओ, बोलो खाने आ जा। बोल लब्बी, बोल लब्बी आ जा, बोल लब्बी आ जा। हाँ तो अब लब्बी आएगी, लब्बी भी खाएगी, लो कुंदा टेस्ट करो। ये हैं भैया पतोड़े, अरबी के पत्ते के बनते हैं। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 10 जून 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रहा हूँ। तो नाश्ते में आज हमने अपने मेहमानों के लिए बना रखे हैं आलू पराठे, मतलब आलू पराठे की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन बना नहीं रखे। फिलहाल मैं चटनी की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे रिद्धिमा है, रिद्धिमा आ गई है, आराम से आ जा बेटा। रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखिए दोस्तों, ये भांग है जो कि मैंने तवे पे भुना है, और ये चीनी है जो रिद्धिमा मांग रही है, मैंने थोड़ा सा एक चुटकी चीनी इसको दे दी। नमक है और ये बोलते हैं पुदीना, और ये है पुलम, है पुलम आलू बुखारा खट्टे के लिए, और ये मिर्च है, और ये रिद्धिमा है। यहाँ देख, यहाँ रिद्धिमा, यहाँ देख। ए राम राम बोल पहले। तो रिद्धिमा राम राम बोल रही है, राम राम बोल, राम राम, म्याम म्याम, म्याम म्याम। दे दो बिस्किट, मुझे भी दे दो। गुड दितार सुना रही, दितार एक गाना सुना दे वाला। तो दोस्तों जो चीज़ अभी तक प्लेट में थी वो मैंने सिलबट्टे में डाल दी है, और सामने ताऊ जी बैठे अपनी नातिनी के साथ। ए देख, यहाँ देख, क्या खा रही है, क्या खा रही है? चिज्जी चिज्जी खा रही, चिज्जी। और ये लब्बू है, लब्बू कल चली जाएगी, है ना, अच्छा लगेगा। वैसे भी तेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है ना यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बीच में जब वो आए थे पीयूष लोग तब सही था, थोड़ा आजकल बोरिंग हो रही है ना, तू झगड़ नहीं पा रही किसी से। और हमारे राजू भाई यहाँ देखो, सौरव को लेके आए हैं। सौरव यहाँ देखो, देखो बच्चे बच्चे बहुत हैं यहाँ पे। वीडियो में मत दिखाया, हर वीडियो में नहीं दिखाना है क्या आपको? ठीक है, सौरव को दिखा देते हैं। सौरव यहाँ देख, नमस्ते बोल, नमस्ते, नमस्ते बोल दे जा, नमस्ते बोलो। ये नमस्ते बोलना इसको सिखाया नहीं अभी तक, शरारत है क्यों नहीं अभी थोड़ा सा इसके हाथ पे पहले नमस्ते जरूरी है, खाना जरूरी है भाई। राम राम क्यों? ये देखो वो उसको उसको राम राम सिखा दिया, राम राम बोल, राम राम कर दी, गुड राम राम। तो दोस्तों अभी मैं ये पीसता हूँ, हमारे गेस्ट जो है ऊपर गए हैं नहाने के लिए, ऊपर वहाँ धारा है ना, ऊपर यहाँ से दिखने भूका धारा है। ताऊजी, ताऊजी क्या कहानी है भूके धारे की? वहाँ बहुत लंबी कहानी है, हम उतना कहाँ बता पाएंगे, शॉर्टकट में बता दो, क्या बोलते हैं उसको? दहेज वाला पानी निकलता है उधर चट्टान पे। अच्छा, जो भी लोग देखेंगे वो देखते रहेंगे। बिल्कुल, वहाँ का पानी बहुत ही मीठा, बहुत शानदार पानी, आजकल होता है ठंडा, जाड़ों में होता है गरम। बिल्कुल, तो ये खासियत है वहाँ के पानी की दोस्तों। तो वहाँ गए हैं नहाने, इसको हटाओ यार, ये इसको हटाओ यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, मुझे पीसने दे, चल हट। तो दोस्तों अभी मैं सिलबट्टे में चटनी पीस रहा हूँ, देख सकते हैं आप, सिलबट्टे में पीसने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है लेकिन स्वाद भी उतना ही ज़्यादा आता है। और मिक्सर में जब पीसते हैं तो एक ही मतलब 2 सेकंड लगते हैं, बस 2 सेकंड में काम हो जाता है, लेकिन उतना स्वाद अच्छा आता नहीं है। भांग की चटनी हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि सिलबट्टे में पीसी जाए, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं बाहर का जो कवर होता है भांग का, अगर वो अच्छे से नहीं पीसा गया तो उसे पतली की संभावना हो जाती है, इस वजह से ना पहला हर रहा। तो दोस्तों इस तरह से पीसी जा रही चटनी, उम्मीद है ये मीठा होगा, बहुत मीठा इन द सेंस ही बहुत बढ़िया टेस्टी। ये देखिए रजिंद्र भाई, थोड़ा दिखाओ ना दोस्तों को, दिखाओ हमारे, ये लपलपी चटनी कुछ इस तरह से बन रही है दोस्तों। लब्बू के मुंह में यहाँ पे पानी आ गया है, यहाँ खड़ी है वो। तो फिलहाल इसको हम गेस्ट को खिलाएंगे, उसके बाद उनका रिव्यू लेंगे। तो राजेंद्र जी हमारे जो पीछे से कैमरा मैन है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ फिलहाल के लिए वो कैमरा बंद कर दे, बहुत हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैंने अपने जो गेस्ट हैं उनको नाश्ता तो करवा दिया है, और बढ़िया से उन्होंने नाश्ता भी कर लिया, और चटनी को भी खा ली, बोल रहे थे चटनी ठीक ठाक बनी है, बहुत बढ़िया बनी,
बहुत बढ़िया बनी है बोल रहे हैं सर। तो लाजवाब पराठे भी अच्छे बने। फिलहाल ताऊजी बना रहे हैं। ताऊजी क्या बना रहे हो आप? ये बन रही वो भटके डुबके। तो भटके डुबके ताऊजी अपने ये बना रहे हैं और मैंने अभी लंच से बनाया नहीं है कुछ भी, तो मैं तो बाद में ही बनाऊंगा। तो जो सर हैं वो भी थोड़ा वॉच कर रहे हैं इनको कि कैसे ये पहाड़ी स्टाइल में भटके डुबके बना रहे हैं। इसमें दिया पहले मेथी का तड़का। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा चुटकी भर जीरा। चुटकी भर जीरा। और फिर लहसुन का तड़का। अच्छा। ये इसको थोड़ा हिला लेंगे, हिला के ये ब्राउन हो जाएगा ये। और इसमें फिर टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इनकी इनका जो चूल्हा है वो भी एकदम, इनमें जो बाल्टी है, बाल्टी होती है लोहे की, एक लकड़ी से खाना बन जाता है, एक लकड़ी से। हाँ, एक दो लकड़ी डाल दे इसमें, लोहे की बाल्टी को काट कर मॉडिफाई किया है चूल्हे के रूप में। और जिसमें बना रहे हैं वो बर्तन भी लोहे का है। लोहे का ही बर्तन है। क्या बना रहे हो बताया आपने? ये भटका डुबका। अच्छा, भटके डुबके बना रहे हो। कल जो हमने भी बनाए थे, लेकिन हमने गैस में। अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। खासी खाली वासी भी उबाल सकते हो, लेकिन भून भाल के और टेस्ट आएगा। बिल्कुल। ये है इसके इसके साथ बनेगी कड़ी धोई। अच्छा। हाँ, वो मिला के तब खाया जाएगा। ठीक है यथार्थ। ये हमारा लहसुन ब्राउन हो गया, अब डालेंगे प्याज। सबसे आखिर में बस वो जले नहीं। हाँ, अभी तो मसाला भी पड़ेगा इसमें। मसाला थोड़ी देर बाद डालेंगे। मसाला कौन सा पड़ता है? मसाला वही था, वो धनिया जीरा और धनिया जीरा मिर्ची, वही तो मसाला था। और लहसुन प्याज वगैरह ये डाल दिया। पहले दाल को भिगो के पीसते? हाँ, दाल को ये भिगो के पीसोगे तो उतना स्वाद नहीं है। अगर बस सूखा पीसो तो उसमें और टेस्ट है। सूखा पीसना चाहिए? सूखा। अच्छा। हाँ, तो अभी आप जो पीस रहे थे सूखे थे, वो भिगो ही नहीं थे, भिगा के पीसते हैं लोग। और जाके उतना टेस्ट नहीं था, इतना सूखा हुआ। थोड़ा हाथों में और मेहनत करनी पड़ती है, मतलब दबाना पड़ता है, एकदम नहीं पीसे जाते हैं वो। तो सर सुबह ऊपर धारे में नहाने गए, सर कैसा लगा वहाँ पे आपको? बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया। बहुत ही शीतल पानी था। शीतल पानी था, बहुत जल अच्छा था वहाँ का। झाड़ू में एक मंदिर भी है वहाँ पर। हाँ, संतोषी माता जी। हाँ, संतोषी माता मंदिर भी है। तो खासियत है का मन ही नहीं हो रहा। अच्छा, अभी वापस आप नदी में जा रहे हैं लोग, कोसी नदी में नहाने जाएंगे। तो मैं तो खाना वाना रेडी करूंगा इनके लिए, लेकिन ये नहा धो के आएंगे। यथार्थ स्विमिंग आती है? ठीक है, आराम से नहाना। ताऊजी ने भी दाल जो है डाल दी है, जो पीसी हुई थी भटकी दाल, क्योंकि भटके डुबके बन रहे थे, भटकी दाल पीसी थी इनने सिलबट्टे में। सिलबट्टे में पीसी थी ना? सिलबट्टे की है ये, भटकी वाली नहीं भैया। हेलो। तो बढ़िया से इसको फ्राई कर रहे हैं। अब मसाले डाल रहा हूँ, सब मिला के रखा है, इसको डाल देता हूँ। धनिया मिर्च हल्दी हींग पता नहीं क्या क्या डाल रखा है इसमें, जमर सब कुछ डाल रखा है इसमें। तो बढ़िया से आग जल रही है और ऊपर से बन रहे हैं भटके डुबके। देखो कैसे बनते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। तो जी करीब आधे घंटे बाद जो भटके डुबके हैं कुछ इस तरह से पकने स्टार्ट हो गए, मतलब पक चुके हैं। अब इसको बस नीचे कोयले हैं चूल्हे में और ऊपर कढ़ाई है, धीमी आंच में पक रहे हैं। जितना पकाओगे उतना बढ़िया, जैसे हलवे में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, वैसे इसमें भी जितना पकाओगे उतना इसका स्वाद आता है और एक लोहे का जो है फ्लेवर वो अलग से आता है। फिलहाल इनको खाने देते हैं और हम चलते हैं नहाने। ये हमारा होम स्टे है, नहाकर अब वापस आते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब भी नहाने गए हैं नीचे नदी में, लेकिन मैं घर में ही नहाऊंगा क्योंकि मुझे उनके लिए खाना वाना बनाना है दिन का। थोड़ी देर पहले उन्होंने पराठे खाए, दिन में भी एक स्पेशल सब्जी बन रही है उनकी। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 5:30 और आज हमने बना रखे हैं पतोड़े। तो जो अरबी के पत्ते हैं उसको बेसन में लपेट लपेट के, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है, मुझे बनाना नहीं आता, तो मैडम ने बना रखे हैं। मैडम जो आपको कैमरा में दिख रही भी, और सर आनंद ले रहे हैं, हम भी खाएंगे और इसका टेस्ट करके हम बताएंगे कैसे हो रहे हैं। आज सुबह से मैं आपको खाना दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं खा रहा, तो मौसम कुछ ऐसा है। और लब्बी को आवाज़ लगाओ, बोलो खाने आ जा। बोल लब्बी, बोल लब्बी आ जा, बोल हाँ। तो अब लब्बी आएगी, लब्बी भी खाएगी। लो कुंदा टेस्ट करो। ये है भैया पतोड़े,
अरबी के पत्ते के बनते हैं। दिख नहीं रहा। कहा सरीन कुंदा का सरीन बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं भी खाता हूँ। तो दोस्तों पतोड़े हुए थे काफ़ी अच्छे, लेकिन पहली बार खाने की वजह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह के हुए थे। मतलब वो थे थोड़े थोड़े पालक के, अगर आपने खाए हैं पकोड़े उस तरह से हुए थे तो काफ़ी अच्छे हुए थे खाने में। लेकिन उसके बाद पतोड़े खाने के बाद हम चले गए थे घूमने। मैं जो पुलचारा से लगा और जो हमारे गेस्ट हैं वो चले गए जहाँ पे हम कल गए थे शाम में वहाँ पर, तो मैं उनके साथ जा नहीं पाया। उसके बाद हम वापस आए और वापस आने के बाद मैंने उनके लिए तिमुल का, मतलब एक तिमला होता है हमारे यहाँ पे हिमालयन फिक जिसे बोलते हैं अंजीर, तो अंजीर की सब्जी बनाई। लेकिन उसकी मैंने वीडियो जानबूझ कर बनाई नहीं, मैंने खाया सुबह से खाना हो रहा है सब कुछ। कभी मैं चटनी दिखा दे रहा हूँ, कभी मैं डुबके दिखा दे रहा हूँ, कभी मैं पतोड़ी दिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा यार ये पूरा खाना हो जाएगा। फिलहाल मैं उनको खिला के आ गया हूँ और वो सो भी रहे होंगे, तो रात के 11:30 बज गए हैं। और दिनों से मतलब थोड़ा जल्दी मैं आज सोने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सुबह उनका चेकआउट है, उसके बाद एक बड़ा ग्रुप हमारे होम स्टे में आने वाला है। तो पहली बार इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है, कम से कम 10-12 लोग हो सकते हैं उसमें, तो कोशिश है कि वो ग्रुप हम बढ़िया से निपटाएं और उनको भी राजी खुशी भेजें। तो कल कैसा इनको लगा वो आपको दिखाऊंगा जब ही सुबह जाएंगे, ब्लॉग बनाते हुए जाएंगे। फिलहाल आज की ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8:00 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।